हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नम्रता और आपके साथ शेयर करती हूं ढेर सारे हेयर और स्किन से रिलेटेड टिप्स दोस्तों। और आज जो मैं टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूं वो है बेस्ट विंटर हेयर पैक। और दोस्तों, इस समय विंटर में बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, बालों में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। और थोड़ा सा मेरे साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख सकते हो मेरे यहाँ के बाल थोड़ा सा कम हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ के, देखिए दोनों साइड के बाल थोड़े थोड़े से कम हो रहे हैं। तो ये जो पैक है ना, अगर आपका थोड़ा सा गंजापन आ रहा है या बाल कम हो रहे हैं ना, तो इसकी ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इस तरीके से आपको भी गंजापन आ रहा है, आपकी स्कैल्प दिखने लग गई है, तो आप ये वाला पैक ज़रूर ट्राई करना। मेरी बात पर विश्वास ना हो मत करना, लेकिन एक बार ट्राई ज़रूर करना। और बहुत ही अच्छा पैक है, बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे आपको, और आपका जो हेयर है ना वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने देखा मैंने हेयर कट कराया था, तो हेयर कट के बाद क्या हुआ है कि मेरा जो बाल है ना वो थोड़ा छोटा हो गया है और मुझे अपने बाल वापस लंबे चाहिए, क्योंकि मुझे स्टेप्स कट नहीं अच्छे लग रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं अपने बालों पे जो स्ट्रेट बाल होते हैं ना वैसे कराऊंगी। तो ये जो पैक है ना, ये पैक आपके बालों को स्ट्रेट करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप तो दोस्तों, ये जो हेयर पैक है ना, ये हेयर पैक आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। आपका बालों में अगर गंजापन आ रहा है, स्कैल्प दिख रही है आपकी, आपके बालों में रूसी हो रही है, बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान हो रहे हैं ना, तो ये बहुत ही अच्छा विंटर का हेयर पैक है। और इसे आप अप्लाई करो, बिल्कुल एकदम साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है इसका, बहुत अच्छा पैक है। तो मैं ये पैक अप्लाई करने वाली हूँ, मैंने सोचा मैं आपकी कोई चीज़ अप्लाई करने जा रही हूँ तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस पैक को मैं प्रॉपर अप्लाई करूँगी। इस पैक के साथ ही साथ इसका हेयर टॉनिक भी है, और बाज़ार में बहुत महंगे महंगे हेयर टॉनिक हैं, और ये आप नहीं कह सकते हो कि वो नेचुरल है, आपके बालों पर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट आएगा या नहीं आएगा, आपको सूट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं एक हेयर टॉनिक भी आपको बताऊंगी अगर आप कमेंट करोगे तो। तो एक हेयर टॉनिक और एक हेयर पैक है जो मैं इस समय अप्लाई कर रही हूँ लास्ट 2 डेज से। तो अभी क्या हुआ है ना कि वो जो टॉनिक है वो आप रोज़ अप्लाई कर सकते हो, हेयर पैक आप उसे हफ्ते में 2 बार अप्लाई करो, बहुत अच्छा हेयर पैक है। तो आज मैं सोच रही हूँ आज वो हेयर पैक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरे बालों की लेंथ आपने देखा है कि छोटी हो गई है और बाल थोड़ा थोड़ा सा मुझे यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पैक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका बालों का, जो अगर वाइटनेस आ रही है, ग्रे हो रहे हैं बाल आपके, तो उसको कम करेगा, उसको रिमूव करेगा और नए ब्लैक बाल आपके उगाने में मदद करेगा दोस्तों। तो बातें तो बहुत सारी कर डाली मैंने, और अगर पैक पसंद आता है ना तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब देखते हैं इस पैक को बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, और पैक को कैसे अप्लाई करना है, और पैक हमें किस तरीके से बनाना है। तो चलिए चलते हैं, करते हैं स्टार्ट वीडियो। दोस्तों, इस पैक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं मेथी दाना और कलौंजी, और इसे मैंने ओवरनाइट भिगोकर सोक करके रखा हुआ था, और अब मैं इसको छान लूँगी। तो दोस्तों, ये जो मैंने पानी निकाल लिया है इसको फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसे हम किनारे कर लेते हैं, और अब आपको मैं दिखाती हूँ ये जो मेथी दाना और कलौंजी है इसको हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसको हमें पीस लेना है, उसके बाद हम इसका पैक बनाते हैं। तो चलिए इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं पहले। तो इसको हम ऐसे ही पीसेंगे दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, ये पैक बन गया है, मतलब जो मैंने
मेथी और कलौंजी थी उसको अच्छे से पीस लिया है। चूँकि मेरी मेथी और कलौंजी थोड़ी सी कम थी और मेरा जार बड़ा था, इसलिए इतनी दर्द की पिसी है हल्की सी, लेकिन आप इसका महीन पेस्ट बनाइएगा। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। तो मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून सरसों का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास तिल का तेल है ना तो आप वो यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा होगा आपके बालों के लिए। मेरा तिल का तेल ख़त्म हो गया है इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून मैंने सरसों का ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। और अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए एकदम थिक सा पेस्ट एक तैयार हो गया है। और दोस्तों साथ में जो ये हमने पानी इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था इसका मैं यूज़ बता देती हूँ। ये जो पानी है इसका हम क्या इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, ये जो पानी है ना इसको हम एज ए टोनर इस्तेमाल करेंगे। इसको आप एक स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और इसमें आप अपनी पसंद के कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं। और उसके बाद इसको आप जब अपना हेयर पैक लगा लीजिए, पैक लगाने के बाद जब आप अपने बाल धुलेंगे ना उसके बाद एज ए टोनर इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छा है, बालों की आपकी जो लेंथ है ना उसको बढ़ाने में ये बहुत ही हेल्पफुल है। और ये वाला जो पैक है, ये पैक अगर आपके बालों में गंजापन आ रहा है, बाल हल्के हो गए हैं, बाल नए नहीं आ रहे हैं ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा पैक है। तो चलिए इस पैक को पहले अप्लाई कर लेते हैं और फिर मैं आपको कल के वीडियो में बताऊँगी कि ये टोनर कैसे हमें इस्तेमाल करना है। तो पहले तो इस वाले जो पैक है ना इसे बालों में अप्लाई कर लेते हैं। बालों में पैक अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपके बाल धुले होने चाहिए, वॉश होने चाहिए, साफ होने चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए उसमें, उसके बाद ही हमें पैक को इस्तेमाल करना है। तो चलिए एप्लीकेशन दिखाती हूँ इस पैक का। तो ये पैक लगाने से पहले दोस्तों मैं जो है ना बाल उनको अच्छे से सुलझा लूँगी। अब हम इस पैक को लगाएंगे दोस्तों। तो इसे मैं ऐसे बाल सारे ऐसे नीचे कर लूँगी। और जो ये हमारा पैक है ना इसे हाथ में लेके मांग कर करके लगाना है। इस तरीके से लगाएंगे और जो लेंथ है इस पे भी ऐसे लगाना। जहां आपके बाल कम है, ग्रोथ कम है, उस जगह पर इसे अप्लाई करेंगे। तो हमें पैक को अप्लाई करना है। जो बालों की लेंथ है इस पे भी हम अप्लाई करेंगे।
ये पैक अप्लाई करने में थोड़ा सा दोस्तों ऐसा है कि आपको शायद मुश्किल होगी इसे एप्लीकेशन में इसके, लेकिन इसका असर है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको अप्लाई करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अगर आप फर्स्ट टाइम से अप्लाई करोगे, तो फिर आपको आदत सी हो जाएगी। और बस इसे इसी तरीके से अप्लाई कर लीजिए पूरे बालों में, और मैं इसका एक बन बना लूँगी। इस तरीके से रबड़ लगा लेंगे ऐसे। तो ये मैंने पूरा पैक अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा मेरा बचा है तो मैं इधर भी अप्लाई कर ले रही हूँ। थोड़ा सा मेरे कपड़ों पे भी गिर गया तो बस इसको ऐसे झाड़ लीजिए और झड़ जाएगा। तो दोस्तों ये पैक मैंने अप्लाई कर लिया है और इसको आपको 2 घंटे रखना है। 2 घंटे के बाद आप इसे प्लेन वाटर से पहले धुल लो, मतलब अच्छे से पहले प्लेन वाटर से आप इसको वॉश कर लो, उसके बाद फिर आप इसमें शैम्पू कर लो। तो मैं आपको जो कल वाला व्लॉग होगा उसमें दिखाऊँगी कि इसको मैं वॉश करने के बाद इस पर मैं क्या अप्लाई करूँगी, वो मैं आपके साथ कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो अभी मैं इसे ओवरनाइट के लिए छोड़ रही हूँ। तो आई थिंक आपको ये जो हेयर पैक है, विंटर वाला हेयर पैक है, हेयर ग्रोथ का जो पैक है, जो गंजापन को दूर करने वाला पैक है, ये पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिन्हें इस तरह की कोई प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ जनरल उन्हें शेयर करना आपका फ़र्ज़ बनता है दोस्तों। तो बस इसे अप्लाई कर लिया है, 2 घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको अपने बालों की कंडीशन। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो दोस्तों हेयर वॉश मैंने कर लिया है अपने बालों को, और मेरे बाल अभी गीले हैं। तो इस गीले बाल में मैं लगाऊंगी अपना सीरम। तो मैं यहाँ पर लिवॉन का सीरम इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी सीरम लगाते हो आप वो लगा सकते हो। तो मैंने एक जो पाउच है सीरम का वो ले लिया है, और इसको मैं अपने बालों पर अप्लाई करूँगी। सीरम से क्या होता है, आपके बाल हैं ना वो ज़्यादा उलझेंगे नहीं, सुलझे रहेंगे, फ्रिजी नहीं लगेंगे। तो बस थोड़ा सा सीरम लिया है मैंने, और उसको बालों की जो लेंथ है उस पर अप्लाई कर लूँगी। और दोस्तों बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ एक DIY वाला हेयर सीरम शेयर करने वाली हूँ, तो आप वो देखना मत भूलना। और वो सीरम बहुत ही अच्छा है, तो मैं 1-2 दिन के बाद आपको एक वीडियो में जो DIY सीरम है वो भी बता दूँगी दोस्तों। तो बस मैंने सीरम को अप्लाई कर लिया है, और अब मैं अपने बालों को छोड़ दूँगी सूखने के लिए, उसके बाद फिर मैं इस पर अप्लाई करूँगी टोनर। ये वही टोनर है जो पानी निकला था और मैंने उसे सेव करके रख लिया था। आप देख सकते हो ये कितना ब्लैक हो गया है, जबकि ये मैंने छान कर रखा हुआ है। उसके बाद भी जितना ये टोनर, आप इसको एक स्प्रे बॉटल में भर के रख लो, और उसके बाद जब आप हेयर वॉश करो तब आप इसको लगा सकते हो। आप इसको जब दिन में 2-3 बार भी लगा सकते हो, जैसे सुबह लगा लिया आपने, दोपहर में लगा लिया, शाम को लगा लिया, तो आप इसको 3 टाइम भी लगा सकते हो। लगाने के बाद हल्के हाथों से बस आप इससे मसाज कर लो, तो ये टोनर आपके जो बाल है ना उसको उगाने में बहुत हेल्प करेगा। जो आपका ये बाल अगर कहीं से झड़ रहा है तो वहाँ पर न्यू ग्रोथ आ जाएगा आपका हेयर का। तो मेरे पास जो बॉटल है वो नहीं है, तो मेरे पास कोई भी स्प्रे बॉटल नहीं है, इसलिए मैंने इसे ग्लास में भर के रखा हुआ है। और बस मैं थोड़ा सा जब बाल और सूख जाएगा तब मैं थोड़ा सा हाथ में लेकर उसे पूरे बालों में, और आप इसको स्कैल्प पे भी लगा सकते हो। ये जो हेयर टॉनिक है इसे आप अपने स्कैल्प पे लगा सकते हो, और अच्छे से मसाज करोगे तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल है। तो इसको एक स्प्रे बॉटल में भर के मुझे भी रखना है, तो मैं अभी तो इसको ऐसे ही अप्लाई कर लूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में जब आपके साथ शेयर करूँगी कभी हेयर टॉनिक का वीडियो, तो आप देखोगे इसे स्प्रे बॉटल में। तो अभी जब मेरे बाल थोड़े सूख जाएंगे उसके बाद मैं ये हेयर टॉनिक इस्तेमाल कर लूँगी। तो दोस्तों ये था मेरा आज का विंटर का सबसे बेस्ट हेयर पैक। अगर आपके बालों की प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व होती है, अगर आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है इससे, तो प्लीज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना मत भूलना दोस्तों। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपके साथ शेयर करूँगी कल के वीडियो में एक बहुत बढ़िया विंटर का एक हेयर ऑयलिंग का वीडियो, तो देखना मत भूलिएगा। ऑयलिंग का वीडियो वेट करिएगा, कल ज़रूर आएगा ऑयलिंग का मेरा वीडियो, और बहुत ही यूज़फुल वीडियो है,
बहुत ही बढ़िया वीडियो है, तो कल आपको मिलेगा वो वीडियो। तो चलिए दोस्तों, आज का ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल वाली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बाय बाय एंड टेक केयर।